हेलो गाइस, होंडा की योन है। इसका एसी चालू करने के बाद सामने की ग्लास में जो है फॉग जम रहा है। इसकी वजह से हम इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल एसी कंट्रोल यूनिट में जो स्पंज लगा रहता है वो इसका सड़ गया। सड़ने की वजह से सामने की ग्लास में फॉग जमता है। इसकी वजह से हम इसका डैशबोर्ड खोलेंगे, फिर खोलने के बाद आपको दिखाएंगे कौन सा क्या खोलना पड़ता है। ये टूल बॉक्स, साइड पैनल, ये सब दोनों साइड पैनल खोलना पड़ेगा। ये कंसोल बॉक्स खोलना पड़ेगा, ग्लो बॉक्स खोलना पड़ेगा, नीचे की स्टेयरिंग खोलना पड़ेगा, सब खोल के। तो ये उनका डैशबोर्ड खुल चुका है पूरी तरीके से, आप देख रहे हैं। इसका स्पंज पूरा सड़ चुका है, इसकी वजह से सामने एयर लीक हो रहा था और फॉग जम रहा था एसी चालू करने के बाद। ये सब डैशबोर्ड खुल गया, हम इसको छुट्टा खोले हैं और पहले एंगल निकालेंगे। स्टेयरिंग कॉलम नीचे हो गया है, एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने के बाद फिर कंट्रोल यूनिट निकालना पड़ेगा। ये जो सामने दिख रहा है ये कंट्रोल यूनिट दिख रहा है। उसके बाद फिर हम आगे बाहर से ये जो दोनों दो बोल्ट दिख रहा है ये बाहर से खोलना पड़ेगा। कॉल पैनल खुलने के बाद खुलेगा। ये खोलने के बाद फिर हम आपसे ईओन का डैशबोर्ड खुल चुका है। ये दो बोल्ट खुला है, ये वाइपर वगैरह, कॉल पैनल वगैरह सब खोलना पड़ता है। उसके बाद जा करके आपका ये कूलिंग कॉइल के पास जो ज्वाइंट दिया है, ये वाली ज्वाइंट एक्सपेंशन वाल के पास, वो खोलना पड़ेगा। हीटर दोनों पाइप निकाला गया है, हीटर का दोनों पाइप, कूलेंट जो सर्कुलेशन करता है, ये देख रहे हैं। इसकी डैशबोर्ड इधर है, इसका वायरिंग किट पूरा इसके साथ आया है, पूरा वायरिंग किट इसके साथ आ चुका है। डैशबोर्ड छुट्टा खोले हैं, स्टेयरिंग कॉलम भी इसका नीचे नीचे करके रखे हैं। पूरा वायरिंग वगैरह सब खोलना पड़ता है। खोलने के बाद देखो, अभी आप जो देख रहे हैं पूरा डैशबोर्ड खुल चुका है और हम उसको स्पंचिंग में लगाने जा रहे हैं। स्पंचिंग में लगा चुके हैं, लगाने जा रहे हैं और स्पंच करने के बाद। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रही ईओन का एसी कंट्रोल यूनिट, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट या एसी कंट्रोल यूनिट। देखो इसके अंदर की स्पंच जो सड़ चुकी है, इसकी वजह से कांच पे इसका एयर लीक हो रहा था और एसी चालू करने के बाद फॉग जमने लगा था। ये रही ब्लोअर का ब्लोअर, ये रही हीटर कॉइल, ये रही इवेपोरेटर कॉइल। फिर हम फिटिंग करने के बाद, स्पंज लगाने के बाद आपको बताएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ये स्पंज कट कर चुके हैं और हम इस सब स्लैब में लगाएंगे। ये रही स्लैब में, सब लगाने के बाद फिटिंग करेंगे फिर इसमें। हेलो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं आप, स्पंज फिट हो चुका है और कंट्रोल एसी कंट्रोल यूनिट हम बैठा चुके हैं इसमें, ईओन में बैठा चुके हैं। अब हम इसको फिटिंग करने जा रहे हैं। स्पंजिंग वगैरह सब हो गया, नया स्पंज लग गया। ये इसके अंदर भी पूरा चुहा हुआ कट किया हुआ था, सब प्रॉपर फिट हो चुका है। अब हम इसमें एंगल फंसाएंगे, एंगल फंसाने के बाद फिर फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेयरिंग फिटिंग हो चुका है, एंगल भी फिटिंग हो चुका है, स्टेयरिंग भी इसको फंसा दिए हैं। ये उनका पूरा फिटिंग होने जा रहा है, एंगल वगैरह वायरिंग वगैरह सब फिटिंग करने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसके बाद फिर डैशबोर्ड डालेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। हेलो गाइज, जैसे आप देख रहे हैं कि सब डैशबोर्ड ऊपर से फिट हो चुका है। अब हम इसका मीटर वगैरह, टेप वगैरह सब फिटिंग करके फिर आपको बताएंगे। तो हेलो गाइज, ये उनका टेप है, कंट्रोल पैनल है, हम इसको फिटिंग करने जा रहे हैं। बाकी सब फिट हो चुका है, क्लस्टर मीटर वगैरह, फ्यूज बॉक्स वगैरह सब फिट हो चुका है। अब हम इसको टेप ऊपर बैठा करके फिर आपको दिखा। हेलो गाइज, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये उनका पूरा सब फिट हो चुका है। वैक्यूम को लगा चुके हैं हम, वैक्यूम भी कंप्लीट हो चुका है और डैशबोर्ड भी पूरी तरीके से फिट हो चुकी है। सिर्फ ग्लो बॉक्स लगाना बाकी है, उसके बाद हम गैस चार्ज करते हैं। गैस चार्ज करके गाड़ी चालू करके एसी चेक करते हैं, प्रॉपर कूलिंग हो रहा है और एयर यहाँ से फॉग जम रहा है क्या नहीं ऊपर। हेलो गाइस, हम फाइनली गाड़ी चालू कर चुके हैं और गैस भी फिलिंग कर चुके हैं, आप देख रहे हैं गैस चार्ज हो चुका है। आप देख रहे हैं गाड़ी चालू है, एसी भी चालू है और आउटसाइड एयर ऑफ रखा हूँ मैं, हीटर बंद है, सामने हवा रखा हूँ। कूलिंग टेम्परेचर देखो 6.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी फॉग सामने नहीं जम रहा है, जरा सा भी फॉग नहीं जम रहा है, आप देख सकते हैं जरा सा भी फॉग नहीं जम रहा है। यानी अपना स्पंचिंग जो किया वो प्रॉपर हो चुका है। अगर आपकी भी गाड़ी में अगर आप सामने हवा रख रहे हैं, अगर सामने से एसी चालू करने के बाद फॉग अगर जम रहा है तो आप भी मैकेनिक के पास या टेक्नीशियन के पास जाकर के काम करवा सकते हैं, क्योंकि उसका स्पंज सड़ने की वजह से यह प्रॉब्लम आता है।